हाथ में हुनर हो तो करिश्मा दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुनर दिखाया है एक बेमिसाल कारीगर ने, जिसने तैयार कर दी है पानी से चलने वाली एक कार। कमाल के कारीगर का नया कारनामा, सूरत से निकली पानी से चलने वाली कार। हैरान रह गए वैज्ञानिक, पानी पानी हो गया पेट्रोल। नाम पुरुषोत्तम पिपलानी और पेशे से मैकेनिक, लेकिन इसके बावजूद वो कर डाला जिस पर अब वैज्ञानिक भी हैरान है। इस शख्स के पास है पानी को पेट्रोल बनाने की ताकत। इस शख्स ने पानी से चला दी है कार। सूरत के कतारगांव इलाके में मोटर गैराज चलाने वाले पुरुषोत्तम पिपलानी ने पानी से कार दौड़ाने का फॉर्मूला तैयार करके लोगों को हैरत में डाल दिया है। इनके इस नए आविष्कार ने लोगों को चौंका दिया है। जी हाँ, सूरत की सड़कों पर फर्राटा भरती ये कार कोई आम नहीं है। ये कार पेट्रोल डीजल या सीएनजी से नहीं बल्कि पानी से चल रही है, जो कि एक लीटर पानी से 70 किलोमीटर तक चलती है। पीने के पानी के अलावा समुद्र के पानी में ज्यादा माइलेज देती है ये, और इससे निकलने वाले धुएं से प्रदूषण भी नहीं फैलता, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम। और इससे पेट्रोल के बढ़ते दामों से उकता चुके लोगों को भी राहत मिल चुकी है। पानी में से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके एक हाइड्रोजन किट का डिजाइन किया है, उसमें एक लीटर पर लीटर पर 70 किलोमीटर गाड़ी चल रहा है। हालांकि पानी से चलने वाली इस कार में पहले हाइड्रोजन किट बैठानी पड़ती है, जिसके चलते ये कार पानी से चलती है। लिहाजा अब पुरुषोत्तम ने इसकी पेटेंट बनाकर मंजूरी के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को परीक्षण के लिए भेज दिया है, और अगर इसे अनुमति मिल गई, तो ये देश की सड़कों पर फर्राटे भर सकेगी। कोई भी पानी कोई भी चलता है, तो दरिया का पानी चलेगा, कोई नदिया का पानी चलेगा, बोरिंग का, और बिस्लरी में कम से कम थोड़ा माइलेज कम देता है। जितना पानी में अशुद्ध पानी होता है उसमें तो बहुत माइलेज दे रहा है। बहरहाल पानी से चलने वाली इस कार से पेट्रोल और डीजल की खपत तो कम होगी ही, जिसकी वजह से लोगों को महंगाई के बोझ से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। इस समय सूरत से कृतिश पटेल।